बिग बॉस 17 की जर्नी आप सबने देखी है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत मस्ती की है, बहुत रोया भी है। और जो मंकू नाम है, एक्चुअली ये जो विक्की ने मुझे डेडिकेट किया है नाम मंकू, इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खानजा भी है जो बहुत प्यारी लड़की है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। फिर सो यस, मैंने सोचा है कि मैं कुछ लोगों को लाइव चैट पे बुलाऊंगी और उनसे बातें करूंगी, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं इतने दिन से आ नहीं पाई आप लोगों से लाइव बात करने के लिए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, अभी भी ख़राब है, लेकिन ऑफकोर्स बहुत टाइम हो गया था और मुझे लगा मुझे अब आना चाहिए। और मुझे सच में आप लोगों को सिर्फ थैंक यू कहना है, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। उन्हें भी थैंक यू कहना है जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जो आपके लिए खड़े रहते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं और आपके हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपका साथ देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ऑलवेज 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 बीइंग देयर। ऑफकोर्स मेरी हमेशा से एक बड़ी फैमिली थी इंस्टाग्राम पे, जो पहले थी, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो नए जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और हर जगह पे। सो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मैं जो भी कहती हूँ वो दिल से कहती हूँ। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और बिग बॉस 17 की जर्नी आप सबने देखी है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत मस्ती की है, बहुत रोया भी है, और बहुत अच्छा, आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, यू नो, बिग बॉस का। और आप लोगों की वजह से उसका और, यू नो, उसको करने का और मज़ा आया। तो बस यही कहना है कि थैंक यू अगेन। तो पूछिए आप लोगों को क्या पूछना है, अगर कुछ है पूछने के लिए जिसका मैं आंसर दे सकती हूँ आप लोगों को, तो आई एम ऑल देयर, यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू। हाय अंकोहोलिक्स, हाउ आर यू? सो ऑलवेज स्माइल मैन, बिग फैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय अनिल, कैसा है? स्कॉची की याद आ रही है क्या? हाय पूजा दी, कैसे हो आप? वेयर इज स्कॉची एंड हाची? स्कॉची इज गॉन टू हेवन एंड हाची घर पे है, पता था व्यूवर्स नहीं आई है इसलिए। एंकी, हाउ डू यू हैव सच अ काइंड हार्ट, आई एम श्योर एवरीवन रिलेटेड टू यू एंड सो लकी टू हैव अ पर्सन लाइक यू इन देयर लाइफ। हाय मुस्कान, हाउ आर यू, कैसी है यार, बहुत दिन से नहीं मिले, मिल जल्दी। क्या कशे आहत नरेंद्र, मस्त आहे मी, एकदम एकदम बढ़िया। हाय मंकू, थैंक यू। ये जो मंकू नाम है, एक्चुअली ये जो विक्की ने मुझे डेडिकेट किया है नाम मंकू, इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब मैं और विक्की पहली बार मिले, तो मैं हमेशा मंकी की तरह उछलती कूदती रहती थी, तो विक्की ने अपने फ़ोन में मेरा नाम मंकू रखा और उसके आगे तीन बंदर रखे हैं जो छोटे छोटे मंकीज़ हैं, तो इसीलिए मेरा नाम मंकू पड़ा। मंकू प्लीज से माय नेम। हाय कोमल, हाउ आर यू? इट्स एंजल, हाय एंजल, थैंक यू फॉर ऑल द लव। सो बोलिए आप लोगों को क्या पूछना है। शिखा पूजा, मंकू लव यू, ओ आई लव यू टू गाइस, थैंक यू। यमुना बाई की झलक दिखा दो यार प्लीज, बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी ही। मेरी फिल्म आ रही है 22nd of March को, स्वतंत्र वीर सावरकर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने आप को बिग स्क्रीन पे वापस देखने के लिए, क्योंकि घर से बाहर आने के बाद एक ही था कि मैं अपना काम जल्द से जल्द शुरू करूँ, और यू नो गॉड हैज़ बिन रियली काइंड कि मैं अपना प्रोजेक्ट, मेरा आ रहा है, रिलीज़ हो रहा है, एंड आई होप आप लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगे। आई रियली विश कि आप लोग ये फिल्म देखो और इसे बहुत सारा प्यार दो जैसे कि आप देते आए हो। तो मैं सोच रही हूँ मैं किसी की रिक्वेस्ट लूँ, पहली रिक्वेस्ट, देखते हैं कौन आता है।
लव 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 यू, थैंक यू अमित मुसा जी, थैंक यू सो मच। खत्म करके आ गई हूँ और आई यू नो आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है टाइप्स। और वहां एक्चुअली हो जाता है ना, आप कहीं ना कहीं इतना अंडर प्रेशर रहते हो परफॉर्मेंस करने की और आपके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। सो यू नो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आपके। और मेरा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये हुआ कि मैं अपने ही हस्बैंड से बहुत लड़ी हूँ, तो यू नो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब मैं बाहर आके मैं एपिसोड देख रही थी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने विक्की को भी बोला यार मुझे आई रियली डिड नॉट लाइक इट जो भी हुआ हमारे बीच। बट आफ्टर एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट लव, दैट वी लव ईच अदर एंड वी आर टुगेदर फॉरएवर। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, we are absolutely healthy, we are absolutely fine, and चीजें चल रही हैं और नए projects हो रहे हैं, बहुत सारी meetings हो रही हैं, अच्छे-अच्छे offers हैं, so I'm really looking forward for every good thing, every best thing happening into my life, and कल Big Boss की party है guys, so yes it's a success party, तो I hope हम सबको वहाँ पर मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि सबसे मुलाकात होगी और मजा आएगा, देखते कौन आता है कौन नहीं आता। तो यस मेरी वहां पर बहुत सारे लोगों से दोस्तियां हुई है, जिसमें से ईशा एक बहुत प्यारी दोस्त बनी मेरी, उसके अलावा खानजादी है जो बहुत प्यारी लड़की है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। फिर मुनव्वर है जो सच में बहुत अच्छे हैं और उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। असमर्थ है और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं एक्चुअली कनेक्ट कर पाई और जिनके साथ मुझे सच में मजा आया। आज भी जब मैं पुराने वीडियोस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे सच में याद आती है सब, मुझे वो टाइम याद आता है कि उस घर में हमने इतनी मस्ती की है, इतनी सारी मस्ती की है गाइस। और अच्छा लगता है ना आप जब जाते हो, आप जब वो when you go back to your memories and you know आप बहुत सालों बाद भी जब कुछ देखोगे तो आपको वो टाइम याद आएगा। और इतना टाइम मैंने अभी कि उस घर में साथ में बिताया, पहली बार हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने टाइम तक रहे, तो यू नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बिग बॉस, एंड यू नो हम हमेशा लाइफ लॉन्ग चेरिश करेंगे उस चीज को। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।